वही जो मैं बात करता हूँ मेजर जनरल इयान कॉर्डोजो की, हमारी भारतीय सेना के एक ऐसे सूरवीर थे जिन्होंने अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए अपना एक पैर खो दिया। मेजर जनरल इयान कॉर्डोजो जो कि 5 गोरखा राइफल में थे, पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में उनके अदम्य साहस के लिए उनको हमेशा जाना जाएगा। मेजर जनरल इयान युद्ध के दौरान उनका एक पैर लाइनमैन पर पड़ गया और पैर गंभीर रूप से घायल हो गया। जब डॉक्टर ने देखा कि उनका पैर का घाव अब पकने लगा है, पर वो भी सारे उपकरणों के ना होने की वजह से उनका पैर नहीं काट सके, तो मेजर जनरल यान ने अपने साथी जवानों से उसकी खुखरी मांगी और खुद का पैर काट दिया और कहा जाकर के इसे दफना दो। इस घटना ने कार्जो को अपने देश की सेवा करने से नहीं रोका। शारीरिक रूप से अन्य अधिकारियों के बराबर नहीं होने के बावजूद उन्होंने सेना में अपने कार्यकाल के दौरान फिटनेस परीक्षण में प्रथम आने के लिए कई फिट सैनिक को हराया। दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के माध्यम से उन्होंने एक सैनिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखा और भारतीय सेना में पैदल सेना बटालियन और ब्रिगेड की कमान संभालने वाले पहले विकलांग अधिकारी बने।